वेलकम बैक फ्रेंड्स। नाउ हम उसी प्रॉब्लम को, उसी लीनियर पेयर इक्वेशन को, हम जो थर्ड मेथड है हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, उसे सॉल्व करने वाले हैं। आप नोटिस करें, क्वेश्चंस द सेम क्वेश्चन इज देयर, बट वी आर डूइंग इट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहला काम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। इस फॉर्म में दोनों इक्वेशन को ले आएँ। ऐसा करने से क्या होगा, थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वेशन नंबर वन बना, और एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वेशन नंबर टू बना। नाउ आपको सबसे पहले यहाँ पर इसको कंपेयर करना होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से, उससे। तो यहाँ पर आप कंपेयर करते हो ना, तो यहाँ पर जैसे कंपेयरिंग बोथ लीनियर इक्वेशंस बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, व्हाट विल यू गेट। यहाँ पर आपको ए वन मिलेगा, यहाँ पर आपको बी वन मिलेगा, यहाँ पर आपको सी वन मिलेगा, यहाँ पर आपको ए टू मिलेगा, यहाँ पर आपको बी टू मिलेगा, और यहाँ पर आपको सी टू मिलेगा। वो कैसे मिलेगा देखते हैं। ए वन कितना है, एक्स का कोफिशियन थ्री है, ए वन थ्री है। बी वन कितना है, वाई का कोफिशियन माइनस फाइव लिख लीजिए, और सी वन कितना है, कांस्टेंट वन। क्लियर। सिमिलरली ए टू एक्स का कोफिशियन दूसरे इक्वेशन में वन है, वाई का कोफिशियन बी टू वाई सेकेंड इक्वेशन में माइनस वन है, और एक्स का कोफिशियन सॉरी कांस्टेंट जो सेकेंड इक्वेशन में वो वन है। आपके पास a1 b1 c1 है, आपके पास a2 b2 c2 है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है वो लगाना है, वो बहुत इजी है। आपको x लिखना है यहाँ पर, आपको y लिखना है यहाँ पर, और आपको 1 लिखना है यहाँ पर कंपैरिजन के लिए। आपस में तीनों इक्वल रहेंगे, तीनों आपस में इक्वल है। और एक ऑर्डर जो रहता है जो आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है, वो ऑर्डर आपको मैं बता देता हूँ। वो ऑर्डर होता है बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए, एंड ए बी माइनस ए बी। ये जो ऑर्डर है आपको याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका बता देता हूँ मैं। ये आप ऑर्डर बी सी ए से याद रख सकते हैं, सबसे पहले बी सी, फिर सी ए, फिर ए बी। सो यहाँ पर आप वैल्यू पुट अप करना है आपको, बी वन सी टू बी टू सी वन, सी वन ए टू सी टू ए वन, ए वन बी टू ए टू बी वन। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपकी, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट अप करना है आपको। तो वैल्यू पुट अप कर दीजिए आप, बी वन कितना है यहाँ पर माइनस फाइव, सी टू कितना है वन, फॉर्मूले के अंदर माइनस है, बी टू कितना आपका माइनस वन है ब्रैकेट लगाएं, और सी वन कितना आपका वन है, इक्वल है आपस में। वाई के अपॉन में आप सी वन है तो सी वन वन है, ए टू आपका वन है माइनस फॉर्मूले में है, सी टू कितना आपका वन है, और ए वन कितना आपका थ्री है, अगेन इक्वल साइन। ए वन कितना आपका थ्री है, बी टू आपका माइनस वन है माइनस फॉर्मूला का, ए टू आपका वन है, और बी वन आपका माइनस फाइव है ब्रैकेट लगाएं। आगे बढ़ते हैं, एक्स के अपॉन में माइनस फाइव हुआ आपका यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस हुआ तो वन। वाई के अपॉन में यहाँ से वन हुआ आपका, यहाँ से माइनस थ्री हुआ, और यहाँ से आपका वन के अपॉन में माइनस थ्री हुआ, और यहाँ से प्लस के फाइव हुए, माइनस माइनस प्लस। आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल तो पता ही होंगे, वेरी गुड। तो एक्स के अपॉन में यहाँ पर माइनस फोर बचा, यहाँ पर वाई के अपॉन में माइनस टू बचा, और यहाँ पर वन के अपॉन में प्लस के टू बचे। अब आप दोनों वेरिएबल को सेपरेटली थर्ड वन से कंपेयर करेंगे जो कि आपस में इक्वल है, यानी ऐसे एक्स अपॉन माइनस फोर को इक्वल करेंगे आप वन अपॉन टू के, और y अपॉन माइनस टू को आप इक्वल करोगे वन अपॉन टू के। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हो तो टू एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर होता है, यहाँ पर टू वाई इक्वल्स टू माइनस टू होता है। आगे बढ़ें, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस फोर अपॉन टू होती है, और y की वैल्यू माइनस टू अपॉन टू होती है, क्योंकि टू वाई है तो प्रोडक्ट है उधर जाएगा डिवाइड करेगा। x की वैल्यू यहाँ पर आपको माइनस टू मिलती है, और यहाँ पर आपको y की वैल्यू माइनस वन मिलती है। आपके आंसर जो आपका आंसर है वो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एंड वाई इक्वल्स टू माइनस वन।
सेम क्वेश्चन हमने तीनों मेथड से करा है, तीनों मेथड में सेम आंसर आया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस दे हो आस्क्ड यू टू डू सो। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कोई कंसर्न हो, फिर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सब में आप पूछ सकते हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट फॉर मोर videos, more interesting exam point of view related questions I will be doing here. So please make sure that you have liked it, subscribed it, and asked with your friends. Okay, thank you friends.